ऐप है और इसके साथ साथ ये जो बुक है ये हेलो एवरीवन, मैं उसमें मेरा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो पर। ये स्टडी विद मी ब्लॉग होने वाला है। जैसे कि आप लोगों ने बहुत बार सजेस्ट किया है कि स्टडी विद मी लाइव सेशन कीजिए, ब्लॉग्स कीजिए, जिससे कि मेरा भी पढ़ाई चलता रहेगा और आप लोगों को वीडियोस भी मिलता रहेगा और आप भी मोटिवेटेड रहेंगे। होप करता हूं ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आएगा। लेटली मैं कुछ इंटरव्यू भी लिया था, जो हमारे इंस्टीट्यूट से दो तीन स्टूडेंट थे जो ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स आने वाले हैं। तो टॉक विद ए डॉग का सेशन भी चलता रहेगा, उसके साथ साथ स्टडी विद मी ब्लॉग्स भी चलता रहेगा। होप करता हूँ आप लोगों को ये जो नया सेशन है वो आप लोगों को पसंद आएगा। और ये है मेरा स्टडी टेबल और हमेशा मैं पानी कुछ रखता हूँ अपने साथ जब भी पढ़ाई शुरू करता हूँ। और अभी मेरा मेडिसिन और ऑप्थाल्मोलॉजी चल रहा है। मेडिसिन में इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हम आज पढ़ेंगे और ऑप्थाल्मोलॉजी कंटिन्यू करेंगे। अभी हम टू डू लिस्ट बना दिए हैं कि आज क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या करना है। आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा ऐसे कर दीजिए, जैसे कि आप शेड्यूल कर दें पूरे दिन को। अभी कुछ नाश्ता कर लेते हैं और इसके बाद पढ़ाई शुरू करेंगे। Now I understand, I learned to first stand with you. Thought it was that... ये पेन मुझे बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ पे एक स्टेथोस्कोप बना होता है। अभी मेरे पास कोई आईपैड या कोई टैब नहीं है तो मैं मोबाइल ही यूज करता हूँ प्रेप पढ़ने के लिए। और आप लोग जैसे पूछते हैं कि मैं क्या यूज करता हूँ, मैं मेरो सब्सक्रिप्शन भी लिया था और कुछ टाइम यूज भी किया था। अभी प्रेप मैं यूज करता हूँ और प्रेप मुझे कन्वीनियंट लगता है। आज हम पढ़ने वाले हैं लैक्रिमल अपैरेटस। लेट्स स्टार्ट। अभी मैं लैक्रिमल ग्लैंड और लैक्रिमल सैक के बारे में पढ़ रहा था, लैक्रिमल अपैरेटस के बारे में। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है आपका लैक्रिमल डक्ट और यहाँ पे जो है मीडियल पार्ट पे उसको बोलते हैं लैक्रिमल सैक, यानी कि लैक्रिमल डक्ट से सिक्रीशन होता है। और आप जब आँखें बंद करते हैं, पलक झपकते हैं, तो ये टीयर आके मीडियल का पे आ जाता है। यहाँ पे एक वाल्व होता है, वाल्व ऑफ रोजन म्यूलर बोल के, तो वहाँ से ये जाता है और नीचे नाक तक आता है। तो वो मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम में बता देता हूँ जो अभी तक मैं समझा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये है लैक्रिमल ग्लैंड और लैक्रिमल ग्लैंड से यहाँ पे मीडियल पार्ट पे आने के बाद अपर पंक्टम और लोअर पंक्टम है। इसके बाद अपर कैनालिकुलाई, ये जो कैनाल जैसा दिख रहा है लोअर कैनालिकुलाई, और यहाँ पे लैक्रिमल सैक में जाने के लिए एक वाल्व है, वाल्व ऑफ रोजन म्यूलर। और इसको मैं याद करने के लिए लाइक रोज ऐसे याद किया हूँ। और अगर इन्फ्लामेशन इन द लैक्रिमल ग्लैंड होता है तो उसको हम बोलेंगे डेक्रोएडिनाइटिस। और अगर इन्फ्लामेशन इन द लैक्रिमल सैक होता है डेक्रोसिस्टाइटिस। तो यहाँ पे आने के बाद नीचे जब ये आएगा, नेजो लैक्रिमल डक्ट बोलते हैं इसे क्योंकि नाजाल पार्ट में होता है और लैक्रिमल डक्ट है, तो नेजो लैक्रिमल डक्ट। और नीचे आ जाएगा, यहाँ पे एक टीयर डक्ट है, इसके बाद ये आ जाएगा इन्फीरियर मीएटस में। इसीलिए जब भी हम रोते हैं तो हमारा नाक स्टिप हो जाता है क्योंकि यहाँ पे अब कनेक्टेड है नाक के साथ, नेजो लैक्रिमल डक्ट के साथ। तो इसलिए ये जैसे कि सर ने बताया अभी वीडियो में कि यहाँ पे कन्फ्यूज़न शुरू होता है कि कौन सा ऑप्थाल्मोलॉजी का सेगमेंट है और कौन सा ईएनटी का सेगमेंट है। क्योंकि नाक तक आ गया तो वो ईएनटी में आ गया, सिर्फ आय तक है तो डेक्रोसिस्टाइटिस, डेक्रोएडिनाइटिस, ये सब ऑप्थाल्मोलॉजी में आएगा।
अगर ये लैक्रिमल डक्ट पे कोई ब्लॉकेज हो जाता है तो उसको कैसे डायग्नोसिस करना है वो देखेंगे। एपिफोरिया बोलते हैं, ड्यू टू ब्लॉकेज एक्सेसिव वाटरिंग ऑफ द आईएस होता है। तो एपिफोरिया को कैसे डायग्नोसिस करना है, डायग्नोसिस करने के लिए हमारे पास तीन टेस्ट है, सिरिंजिंग, प्रोबिंग एंड जोन्स टेस्ट, 1, 2 एंड 3। तो सिरिंजिंग से यानी कि जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कोई सिरिंज का यूज किया जा रहा होगा। तो देखिए अगर हम देखते हैं कि कौन कौन से जगह पे ब्लॉक हो सकता है, तो ब्लॉक हो सकता है आपके NDL पे यानी कि नेजोलैक्रिमल डक्ट जो कि मोस्ट कॉमन है, और या तो अपर कैनालिकुलस में हो सकता है, लोअर कैनालिकुलस में हो सकता है जो कि उतना कॉमन नहीं है NLD की तरह, तो कॉमन कैनालिकुलस में भी हो सकता है। तो अभी हम देखते हैं कि सिरिंजिंग से कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे यानी कि कौन से जगह पे आपका ब्लॉकेज है। तो आप देखिए यहाँ पे एक सिरिंज आप डालें, यहाँ से एक सिरिंज डालें और यहाँ से नॉर्मल सलाइन इंजेक्ट किए, तो देखेंगे कि अगर आप सलाइन इंजेक्ट करने के बाद उसी पंक्टम से निकल जाता है यानी कि लोअर कैनालिकुलस में अगर ब्लॉक है तो यहाँ पे ब्लॉक होके वो रिटर्न कर जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि उसी जगह पे यानी कि लोअर पंक्टम से अगर आ जाता है तो लोअर कैनालिकुलस में आपका ब्लॉकेज है। अगर अपर पंक्टम से डाले और अपर कैनालिकुलस से वापस रिटर्न होके वो यहाँ से निकल गया तो ये अपर कैनालिकुलस में ब्लॉकेज है, आपको पता चलेगा। अगर और एक देख लेते हैं कि कॉमन कैनालिकुलस पे अगर ब्लॉक है तो लोअर पंक्टम से आप डालें तो ये यहाँ जाएगा और यहाँ से रिटर्न आ जाएगा, या तो यहाँ से निकल सकता है या तो यहाँ से निकल सकता है, यानी कि आप एक पंक्टम से डालें लेकिन दोनों पंक्टम से अगर निकल रहा है तो आपको पता होगा कि ये कॉमन कैनालिकुलस ब्लॉक है। तो आपको कैसे पता चला है कि ये NLD ब्लॉक है, नेजोलैक्रिमल डक्ट ब्लॉक है? तो आप अगर कोई भी ये नॉर्मल सलाइन इंजेक्ट करते हैं तो वो यहाँ जाएगा, नीचे जाएगा और यहाँ से रिटर्न कर जाएगा, लेकिन जो नॉर्मल सलाइन हम इंजेक्ट किए थे उसी तरह का कंटेंट नहीं निकलेगा, क्योंकि नेजोलैक्रिमल डक्ट पे बहुत सारे म्यूकोसिलियरी डक्ट रहते हैं, बहुत सारे नाजल सब्सटेंस रहते हैं वहाँ पे, तो क्लियर फ्लूइड नहीं निकलेगा। यहाँ पे अगर ब्लॉकेज है तो क्लियर फ्लूइड निकलेगा अपर कैनालिकुलस, लोअर कैनालिकुलस या तो कॉमन कैनालिकुलस पे, लेकिन नेजोलैक्रिमल डक्ट पे अगर ब्लॉकेज है तो क्लियर फ्लूइड नहीं निकलेगा। तो इससे आप डायग्नोस कर सकते हैं, तो सिरिंजिंग हो गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम। अप्लाइंग किस तरह करी? एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल फार्माकोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी, KD त्रिपाठी और यहाँ पे प्रेपलेटर के नोट्स, और यहाँ पे कुछ जो बुक्स हैं ये सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स हैं, ये APJ अब्दुल कलाम का विंग्स ऑफ फायर है जो कि अब्दुल कलाम का बायोग्राफी है लेकिन अब्दुल कलाम नहीं लिखे हैं इसे, और थिंक लाइक ए मंक जय सेठी का, ऐसे कुछ बुक्स भी हैं जो कि मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। कोई भी बुक पूरा ख़त्म नहीं किया हूँ, आधा आधा सब। अगर आपको भी प्रेपलेटर का ऐप सब्सक्राइब करना है तो आप जाइए मी पे, व्यू प्लान्स पे, और यहाँ पे एनरोल नाउ करने के बाद आपको मेरा स्पेसिफिक एक कोड है जो कि जेन्युइन कोड है, तो यहाँ पे अप्लाई कोड पे आपको डालना है कैपिटल में SUBH 007 और यहाँ पे अप्लाई कोड कर देना है आपको, तो और देखिए आपका इतना माइनस हो जाएगा। आज का मौसम बहुत सुहाना है, अभी थोड़ी देर में ख़त्म करके हम चलेंगे बाहर थोड़ा घूमने, तो अभी जल्दी से ख़त्म करते हैं, और कितना टाइम है, और कुछ 20 मिनट ही बाकी है। हवा मस्त दे रहा है यहाँ पे,
थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर लेते हैं अभी, और फिर जाके जो पढ़े हैं उसका क्वेश्चन आंसर करना है। Bodies intertwined. You don't need to fall to the call, 'cause they said so. You don't need to fall to the call, 'cause they said so. You don't need to fall to the call, 'cause they said so. So अभी चलिए चलते हैं नीचे, और जो अधूरा था काम था वो पूरा करते हैं। थोड़ा बाहर चलते हैं। सिंह साम भाई दिखती है क्या जरूरी राइड है लेतरा लगला गया किधर बोले सो अभी मैं बाहर से आ चुका हूँ, और माइंड थोड़ा सा फ्रेश करना भी ज़रूरी होता है दिन भर में। सो अभी थोड़ा सा अभी बाकी है, और एक पार्ट मुझे पढ़ना है, सेकंड पार्ट है उसका, और वो ख़त्म करके मैं थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर करूँगा। क्वेश्चन आंसर हो चुका है ख़त्म, और ये जो ऐप है और इसके साथ साथ ये जो बुक है, ये ऐसा बुक 6th edition का मेरे पास 3 सेट है, और 5th edition का 2 सेट है, जो कि मैं डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूँ। जो जो SUBH007 कोड यूज करके प्रेपलेडर सब्सक्रिप्शन लेते हैं उनमें से एक को मिलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।